हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जिसमें इंजीनियरिंग का चैप्टर है उसका एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज बताने वाला हूं कि इनवोल्यूट को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इनवोल्यूट में आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो है इक्विवेलेंट ट्रायंगल। इक्विवेलेंट ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तो उसके ऊपर मैं आज एक कर्व बनाने वाला हूं, जिस कर्व को बोलते हैं इनवोल्यूट कर्व। जो इनवोल्यूट होता है वह इक्विवेलेंट ट्रायंगल का भी बनाया जा सकता है, स्क्वायर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, सर्किल की भी प्रॉब्लम हो सकती है, पेंटागॉन की भी हो सकती है और हेक्सागॉन की भी हो सकती है, जिसकी सभी साइडें बराबर हो। ऐसी एक प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम इनवोल्यूट बना सकते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं ट्रायंगल के लिए, इक्विवेलेंट ट्रायंगल के लिए, जिसमें गिवन है 20 mm, क्या एक साइड है, मतलब इसकी तीनों साइड इक्वल रहती है, एक साइड गिवन है 20 mm। जैसे मैंने लिख लिया, माना कि ए बी एक साइड है वो 20 mm है। अब जो हमारी स्केल रहती है वो किसमें रहती है, सेंटीमीटर में। तो हमें एमएम को, हमें जो एमएम दी है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 20 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ 10 से डिवाइड किया तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब 2 सेंटीमीटर की एक साइड खींचेंगे, उसके बाद उसको ट्रायंगल पूरा कंप्लीट करेंगे। कैसे करते हैं, कैसे ट्रायंगल बनाएंगे मैं बताता हूँ। जैसा कि हमने नीचे बॉटम साइड में देखा, हमने क्या किया, एक साइड बनाई। हमेशा याद रखें, सिर्फ कर्व के अलावा इसमें जो भी वर्क होगा वो लाइट वर्क होगा। कैसा होगा, लाइट वर्क होगा, मतलब हम 3H पेंसिल यूज करेंगे सारा वर्क करने के लिए। सिर्फ ओनली कर्व बनाने के लिए हम जिस पेंसिल से हम डार्क करते हैं, तो S से करेंगे, तो S का यूज करेंगे हम किसको डार्क करने के लिए, कर्व को बनाने के लिए। कर्व बनाने के लिए हमें एक तो जो इंजीनियरिंग कर्व होता है, जो स्केल टाइप का आता है, उसको यूज करते हैं, या फिर हम फ्री हैंड भी बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इनवोल्यूट। सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो कितनी साइड दिए, तो यहां पर साइड ड्रॉ करते हैं सेंटर में, कितने दी, 2 सेंटीमीटर। यहां पर मैंने क्या किया, 2 सेंटीमीटर की साइड खींच ली, ये दिख रही है। इसको मैंने नाम दिया क्या, ए बी। इसको नाम दे दिया ए बी। अब ट्रायंगल बनाने का मेथड देखें आप, जो ए बी है, जो ए बी डिस्टेंस है, हम यहां पर क्या लेंगे, डिवाइडर उठाएंगे, डिवाइडर से देखेंगे जो ए से, यहां दिख रहा है ए और बी, ए और बी की हमने क्या किया, डिस्टेंस ले ली जितनी भी हो। कहने का मतलब 2 सेंटीमीटर हमने डिस्टेंस ले ली, देख रहे हैं आप, ए बी के बराबर हमने क्या लिया, डिस्टेंस ली, ए बी के बराबर हमने डिस्टेंस ली डिवाइडर के अंदर, और हमने क्या किया, 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं डायरेक्ट। तो हमने ए से रख के हमने क्या किया, ऐसा आर्क लगा दिया एक, देख रहे हैं, हमने क्या किया, ए बी से ए बी की डिस्टेंस ली और ए पे रख के यहाँ एक आर्क लगा दिया, और फिर बी पे रखकर हमने क्या किया, उस आर्क को काट दिया, हमने बी पे रखकर एक काट दिया। तो हमें एक पॉइंट मिला यहां पर, देख रहा है ऐसा एक पॉइंट मिला। इस पॉइंट को क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को ए से मिलाएंगे और बी से मिलाएंगे। तो इसको हम ढीला करेंगे और इस पॉइंट को ए से मिला देंगे और बी से मिला देंगे। फ्रेंड देख रहे हैं आपको, ये मैंने कंप्लीट कर दिया ट्रायंगल। इसको ए बी नाम दिया, तो हम इसको क्या देते, सी नाम देते हैं। क्या नाम देंगे, सी। एबीसी क्या होगा, इक्विवेलेंट ट्रायंगल होगा, जिसकी साइड कितने दिए, 2 सेंटीमीटर। यहां पर हम इस 2 सेंटीमीटर शो करा दें नीचे की साइड, जहां पर हमने स्टार्ट किया था, यहां ऐसा लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब बी पॉइंट में, यहां पर एक पॉइंट बनाएंगे बी पर, बी पर हम इधर की ओर एक लाइन खींचने वाले हैं। वो कितनी लाइन खींचेंगे वो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले हम काउंट करेंगे, जो ट्रायंगल है या फिर कोई कोई भी हम, जैसे हमारा सर्किल है या फिर हेक्सागोनल है या फिर हमारा स्क्वायर है, उसमें देखेंगे साइड कितनी है। तो हम ट्रायंगल में देखेंगे तो 1, 2, 3 कितनी साइड है, 3 साइड है। तो हम यहां पर ऐसे 3 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। अब 3 साइड है तो 3 लिख लिया मैंने, अगर यहां पर स्क्वायर होता तो 4 साइड होती, तो 4 लिख लेते। इसके बाद एक इंटू का निशान लगाएंगे, इंटू का निशान लगाया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो जो जितनी साइड दी है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। साइड यहां पर कितनी थी, 2 सेंटीमीटर, तो यहां पर 2 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई कर, याद रखें जितनी साइड उसको काउंट करेंगे वो यहां रख लेंगे, उसके बाद जितनी साइड दिखवाने उसको रख लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर बन जाएगा। इस लाइन को हम बोलते हैं बीपी। कौन सी लाइन निकालते हैं, बीपी। तो बीपी लाइन की डिस्टेंस कैसे निकाली मैं, 6 सेंटीमीटर। बी से हम किधर की ओर खींचेंगे देख लें आप, इधर की ओर मैं खींच रहा हूं, आप उधर ही खींचे। तो हमने क्या किया, बी से यहां से कितना, 6 सेंटीमीटर पे यहां लाइन लगा,
चेक किया 6 सेंटीमीटर पर मैंने लाइन खींच बी, इसको नाम क्या दिया पी, लाइन क्या खींची बीपी। अब इसके बीपी के कुछ भाग करते हैं, कुछ भागों में इसको कन्वर्ट करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। उसके लिए कितने भाग में डिवाइड करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं ट्रायंगल की जितनी साइड होती है उतने ही भाग में डिवाइड करते हैं। ट्रायंगल की कितनी साइड है, 3 साइड है, इसको भी हम 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो हमारा कितना 6 सेंटीमीटर का है, तो 2 सेंटीमीटर के 2 सेंटीमीटर के 3 भाग हो जाएंगे। याद रखें जितनी साइड रहती है उतने ही इसमें उसके भाग कर देते हैं। तो हम ऐसे स्केल रख लेंगे और 2 सेंटीमीटर के हम क्या करेंगे इसके भाग कर देंगे। 2 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा देंगे और 4 सेंटीमीटर एक पॉइंट लगा देंगे। तो देखेंगे हम यहां पर एक पॉइंट हमें ए मिल गया, एक ए मिल गया, तो हमने इसको नंबरिंग दी 1, इसको दी 2। यहां बी ऑलरेडी बना, यहां पर पी ऑलरेडी बना हुआ है, इसको 1 दी, इसको 2 दी। अब हम क्या करेंगे, अब आपको समझना है क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद स्केल को हम ढीला करेंगे, इसको स्केल को ढीला करके हम क्या करेंगे, जो लाइन है एसी, लाइन दिख रही है आपको एसी, एसी पे हम स्केल रखेंगे। क्या किया मैंने, लाइन एसी पे स्केल रखी हुई है और उसी लाइन को, एसी वाली लाइन को ही हम क्या करेंगे आगे की ओर बढ़ा देंगे। आगे की ओर इतना बढ़ा दिया कि हमारी एक साइड का आर्क लग जाए। तो याद रखें एसी लाइन को मैंने क्या किया, ऐसी स्केल रखी हुई, एसी लाइन को आगे की ओर बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, फिर से स्केल लेंगे और बीसी लाइन, जो हमारी बीसी लाइन है उसको आगे की ओर बढ़ा देंगे। मैंने क्या किया, बीसी लाइन को आगे की ओर बढ़ा दिया। क्या किया मैंने, एसी लाइन को आगे की ओर बढ़ा दिया और बीसी लाइन को आगे की ओर बढ़ा दिया। किस तरह रखा, देखो आप याद रखें स्केल को सही से सेट करें, एसी लाइन पूरी कवर हो स्केल के अंदर, ऊपर के अंदर, फिर इसको बढ़ाएं। इसी तरह क्या करें, बीसी लाइन पूरी स्केल पे आना चाहिए इस तरह, इसके बाद ऊपर को बढ़ाएं। अब इस लाइन को हम कट करेंगे, लाइन को कट करेंगे डिवाइडर से सब, फिर क्या करेंगे हम डिवाइडर उठाएंगे, आप देख रहे हैं डिवाइडर से हम क्या करेंगे, ये जो कितनी जितनी डिस्टेंस है फर्स्ट भाग के कर रहे, तो आप यहां से यूज करें, यहां पे आज करें बी से बन का क्या लेंगे, बी से बन की डिस्टेंस लेंगे, बी से बन की हमने क्या लिया डिस्टेंस लिया। देखो याद रखें क्या किया, बी से बन की, बी से बन दिख रहा है, बी से बन की हमने डिस्टेंस ली डिवाइडर से, क्या लिया बी से बन की डिस्टेंस ली और हमने ए पर रखा, कहां रखा ए पर, कहां रखेंगे देखो ए पर रखेंगे हम, दिख रहा है आपको ए पर रखा मैंने और यहां पर ऐसा आर्क लगा दिया। क्या किया मैंने, बी से बन की डिस्टेंस ली और ये दिख रहा है ए पर, यहां जो ए दिख रहा है ये इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर रख के बी से बन की डिस्टेंस ली और ए पॉइंट पर रख के इसको कट कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बी से 2 की डिस्टेंस लेंगे, कहां से, बी से 2 की डिस्टेंस ली, दिख रहा है आपको, क्या किया मैंने बी से 2 की डिस्टेंस ली, कहां से, बी से 2 की डिस्टेंस ली और सी पर रख के, कहां रख के, सी पर रख के इस पर कट लगा दिया, सी पर रख के कट लगा दिया। तो हमें दिख रहा है हमें कितना पॉइंट मिला, एक ए पॉइंट मिला और एक ए पॉइंट मिला। अब अगर हम बी से पी की डिस्टेंस लेंगे और पी पर ही काटेंगे तो आपको यहीं पर एक बिंदु मिलेगा। अब हम इसको नंबरिंग करते हैं, ये जो इसको हम देंगे पी वन, क्या देंगे पी वन, इसको हम देंगे पी टू। अब हम क्या ड्रॉ करते हैं कर्व, इसके बाद हमारा ड्रॉ क्या करना, कर्व, हमें ये बिंदु मिल गया इससे कर्व ड्रॉ, कर्व ड्रॉ कहां से स्टार्ट कर देंगे, पॉइंट बी से, याद रखें पॉइंट बी से स्टार्ट करेंगे। इस तरह का एक कर्व बनाएंगे, या तो इंजीनियर कर्व हो आपके उससे या फ्री एंड, तो आप देख रहे हैं जिस तरह मैं बना रहा हूं कर्व को हमें डार्क बनाना, याद रखें कैसा बनाना है डार्क, आप जितना अच्छा बना सकते हैं कर्व को उतना अच्छा बनाएं, क्योंकि इसमें जो आंसर होता है वो कर्व ही होता है। इस तरह देख रहा हमने यहां से क्या किया, बी से ए को, बी से पी वन को पॉइंट को हमने ज्वाइंट कर दिया, उसके बाद क्या किया बी से पी वन पॉइंट किया, पी वन से हमने किया पी टू किया, इसके बाद हमें पी से मिलाना, पी से मिलाने के लिए इस तरह स्लो स्लो अपने हैंड को बढ़ाएंगे और काट के इधर की ओर लाएंगे पी की ओर, तो आप देख रहे हैं ये क्या है इन्वॉल्यूट कर्व,
इसको हम लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, इनवॉल्यूट कर्व। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, बहुत ही सिंपल बनाना था, एक ट्रायंगल खींचा। ट्रायंगल बनाने के लिए हमने क्या किया, एक साइड खींची ए बी, ए बी की फिर मैंने डिस्टेंस ली और ए से रख के एक यहां आर्क लगाया, फिर बी पे रख के उस आर्क को काट दिया। इस तरह एक फिर क्या किया, ए को सी से मिलाया और सी को बी से मिलाया, इस तरह हमारा एक ट्रायंगल जनरेट हो गया। ट्रायंगल के बाद मैंने क्या किया, बी पॉइंट से इधर की ओर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। हॉरिजॉन्टल लाइन की कितना खींचना है उसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ जितनी भी साइड होती है उसको काउंट करते हैं। वो मैंने बीपी की यहाँ डिस्टेंस निकाल के बताया, जितनी साइड होती है उसको साइड किया और जितनी साइड होती है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह 6 सेंटीमीटर हो गया। बी से पी के लिए 6 सेंटीमीटर लाइन खींची और उसको जितने भी साइड होती है उतने भागों में उसको डिवाइड कर दिया। फिर बी से वन की डिस्टेंस ली और ए पे रख के इसको कट कर दिया। फिर बी से टू की डिस्टेंस ली, सी पे रख के इसको कट कर दिया। इस तरह बी से पी की डिस्टेंस ली, पी वाली लाइन ही कट कर दिया। उसके बाद जो मुझे पॉइंट मिले कट, उसको पी वन नाम दिया, इसको यहाँ पी टी दिया, ये पी ऑलरेडी है। फिर हमने धीरे धीरे या तो इंजीनियरिंग कर्व से या फ्री एंड से हम इसको कर्व बना देंगे। कर्व जितना अच्छा बनेगा उतने अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।